हेलो। हाँ जी राधे कृष्णा जी, जय माता दी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ पहाड़ी धाम का खाना। तो ये देखिए, ये है धोई दाल बोलते हैं हम इसको अपनी भाषा में, धोई दाल जिसको हम धोकर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी धुआँ दाल और दूसरी है माहा और चने की दलुआ की मिक्स दाल। तो हम गए थे यहाँ पर, थोड़ा सा फंक्शन था तो उसके लिए। और ये है कड़ी, तो ये भी पकौड़े वाली कड़ी है। और ये है मीठा, तो इसको बेदाना बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो मेरा प्रिंस खा रहा था और मैं इसकी वीडियो बना रही थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम सभी लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं। और जैसे हमारे ब्याह शादी या फंक्शन वगैरह कुछ भी हो तो हम सभी ऐसे लाइन में बैठते हैं और फिर सभी बैठकर खाना खाते हैं। और ये देखिए, तो ऐसे ही सभी लोग, हम सारी जगह पे हमारे ऐसा ही रिवाज है। यहाँ पर सभी के घर में ऐसा ही होता है कि यहाँ पर ज़मीन पर बैठ के ही खाना खाया जाता है। और तो फ्रेंड्स, मेरे मायके में आम ज़्यादा होते हैं और इस बारी बहुत से फल लगे थे आम के। तो नीचे झड़े हुए थे तो उनमें लगे थे बहुत सारे रिंगल, तो यहाँ पर बैठना भी मुश्किल हो गया था। जिनके यहाँ पर फंक्शन था तो उनके आंगन में है आम का बूटा और बहुत बड़ा पेड़ है, बूटा तो क्या पर बड़ा पेड़ है। तो नीचे आम झड़कर बहुत से झड़े हुए थे आम और उनमें लगे थे रिंगल, तो ये बहुत तंग कर रहे थे सभी लोगों को और खाना खाने भी नहीं दे रहे थे। वो जिनके फंक्शन था वो इनके यहाँ पर रिश्तेदार आए थे और उनको शगुन दे रहे थे। तो देखिए ऐसे रिवाज है हमारे यहाँ पर। ये देखिए, सभी डर रहे थे इनसे, रिंगल से। और कई तो यहाँ से उठ भी गए थे और खाना खाते खाते। तो फ्रेंड्स, शहरों में तो ऐसा होता है कि हम अपनी मर्ज़ी का खाना लेते हैं और जैसे स्टैंडिंग खाना होता है। हमारे गांव में ऐसा होता है कि सभी ज़मीन पर बैठे रहते हैं और जो कुकिंग वाले होते हैं तो वही सबके पास आते हैं खाना लेकर। और जो जो किसने अपनी मनपसंद का खाना हो तो वो सभी ले लेते हैं। और ये मेरे मायके के थे, बच्चे भी थे और मेरी मासी जी और मामी जी, बुआ जी, यहाँ पर सभी थे बैठे हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पार वाली साइड में आधे बैठे थे आदमी, तो भी उठ गए थे क्योंकि यहाँ पर वो रिंगल ही रिंगल हो गए थे सारे और वो खाना खाने नहीं दे रहे थे। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर धुआं भी लगाया था कि इससे ही भाग जाएंगे, तो ये तब भी नहीं भाग रहे थे और आगे तो एक बार में ही आ जाते थे 8-10 और फिर इनसे ऐसे भी बहुत डर लगता है, अगर एक भी डंक मार दे तो तब भी बहुत भयानक बुखार आता है इनके काटने से और दर्द भी बहुत रहता है कई दिनों तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, खाना खाकर सभी लोग उठ गए और अब हमारे यहाँ पर ऐसी रिवाज है कि पत्तल एक ही जगह पे रखते हैं और गिलास भी एक ही जगह पे। तो ये तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड की थी और ये मेरे बुआ जी के आंगन में है ये पौधा और ये है कुछ फूल। तो ये गुलाब का फूल है और दूसरा है साथ में, इसको सरताजड़ी बोलते हैं हम अपनी भाषा में। और यहाँ पर और फूल भी है तो इनके नाम मैं नहीं जानती, इसके लिए सॉरी। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे थे ये देखने में, तो मैंने सोचा कि इनकी वीडियो भी बना लूँ थोड़ी सी। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हैं यहाँ पर, तो ये देखिए कोई किस रंग के हैं और कोई किस रंग के हैं। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये देखिए ये भी कितने प्यारे हैं यहाँ पर, और तरह तरह के फूल हैं। और ये है यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। तो ये यहाँ पर नीचे खेतों में चरी है और ये है शिव मंदिर। तो ये कुछ थोड़ी सी फोटो थी मेरे फ़ोन में, तो ये भी मैंने इसमें डाल दी। और ये माँ जालपा माता जी का मंदिर है और ये है जालपा माता जी की मूर्ति।